नमस्कार, बिहार एसएससी का जो लिंक है वो एक्टिव कर दिया गया है 13 से लेकर 27 मई तक। इस लिंक एक्टिव में यह बात को दर्शाया गया है कि जो लड़के को फॉर्म में कोई त्रुटि है, कोई ऐसा त्रुटि है, त्रुटि को सुधार करने का एक मौका दिया, यानी यह 12 तारीख को मौका दिया था लेकिन फिर लिंक एक्टिव नहीं किया था, लेकिन लिंक एक्टिव कर दिया गया था। लड़का ने बहुत सारे लड़के लड़कियां ने मुझे फ़ोन किया था कि हमें ये गड़बड़ी है, बहुत सारी गड़बड़ी है, कुछ ऐसे है जो कि हमको छाड़ दिया गया था फॉर्म, वैसे छात्र को मौका देने की बात की गई है। आप जो है वो लिंक एक्टिव कर दिया गया है, वो लिंक एक्टिव पर जाकर अपना सुधार कर सकते हैं। जो बिहार एसएससी के छात्र हैं, जो परिहार एसएससी की परीक्षा जुलाई अगस्त में जो डेट टेंटेटिव डेट जो मुझे जानकारी मिली है उसके अनुसार आप देख सकते हैं, जो सुधारने का मौका दिया है आप सुधार दें। 13 मई से लेकर 27 मई तक सुधारने का मौका दिया, यह मौका पहले ही दिया गया था, एक बार और मौका दिया गया, लिंक को एक्टिव कर दिया गया है, आप वहां पर जाकर सुधार कर सकते हैं। जब मैं सोने के लिए जा रहा था तो मैं देखा कि लिंक एक्टिव हो गया है, लिंक एक्टिव होने के बाद लड़कों ने बहुत सारा फ़ोन किया था, आप सुधारें जी, जो जो त्रुटियाँ हैं त्रुटियाँ को सुधार लें, पूरे पढ़ाई को छोड़कर, क्योंकि परीक्षा देना है, परीक्षा में के लिए सुधार कर लें। आपकी परीक्षा बिहार एसएससी की परीक्षा जुलाई अगस्त में होने जा रही है, जो मुझे बात की जानकारी मिला है कुछ दिनों के बाद निश्चित रूप से बिहार एसएससी के संबंध में आपको हम ऑथेंटिक न्यूज़ दे देंगे डेट सहित। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।